हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएमई टेक्नोलॉजीज़। माय नेम इज़ मुनीश शर्मा एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि अपना खुद का डीसी जनरेटर किस तरह से बना सकते हैं। सो बेसिकली आपको पता है कि मोटर को जब हम इलेक्ट्रिक पावर देंगे तो वो मैकेनिकल पावर जनरेट करती है। तो हम जब इसे मैकेनिकल पावर देंगे तो इन वायर्स के थ्रू ये पावर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करवा सकते हैं हम। तो इसकी ब्लैक जो है वो नेगेटिव है और रेड जो है पॉजिटिव है। इसी के साथ हमने एक स्मॉल डीसी मोटर लगाई है। तो ये क्या करेगा, बड़ी डीसी मोटर से छोटी डीसी मोटर को स्टेप डाउन भी करेगा। एलईडी जो है 1.8 वोल्ट से लेके 3.3 वोल्ट तक काम करती है। तो हमें जो है ये जो बड़ी मोटर है वो 12 वोल्ट जनरेट करेगी। स्टेप डाउन हम किससे करेंगे, छोटी मोटर से। तो ये पावर जो है वो स्टेप डाउन हो जाएगी और हम इसे एलईडी को छोटी मोटर से ही चला पाएंगे। ओके, तो जब हम इसे मैकेनिकल पावर देंगे प्राइम मूवर पे तो आप देखेंगे कि एलईडी जो है वो ग्लो हो रही है जैसे मैं मैकेनिकल पावर दे रहा हूँ इसे। ओके, तो आप किसी भी डायरेक्शन में इसे दीजिए, ये ईएमएफ जनरेट करेगा। वो ईएमएफ स्टेप डाउन होने के बाद पावर जो है वो हमारी एलईडी को दे देगा। ये दोनों मोटर्स आपस में कपल्ड हैं तो मैकेनिकल पावर देने से हमारी जो पावर है वो मोटर मोटर पे हमें प्राइम मूवर पे इसके आउटपुट मिल जाएगी। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं मैकेनिकल पावर दे रहा हूँ और मुझे आउटपुट पे एलईडी ग्लो हो रही है हमारे। ओके, थैंक यू वेरी मच, डू लाइक अवर वीडियो।